जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह रहे अब बस करो हैंड फ्री। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हैंड फ्री। करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह दे अब बस करो हैंड फ्री। तैयार हो जा मेरा सबसे लेटेस्ट फेवरेट गाना सुनने के लिए। तू क्या कर रहा है कीड़े? ये रही हमारी फैमिली हेनरी, ये है मामा और ये है डैडी और ये मैं हूँ और ये ये तुम हो हेनरी। मैं तुम्हें इतना अच्छा बना नहीं पाया। तेरी ड्राइंग तो है ही गंदी। ये मामा के लिए तोहफा है। तुम उनका बर्थडे भूल तो नहीं गए हो ना हेनरी? नहीं, कैसे भूलूंगा। तुमने डिसाइड किया उन्हें क्या गिफ्ट दोगे? तुझे इससे क्या लल्लू राम? वो तो भूल गया था। हेनरी, हेनरी, स्कूल स्कूल नहीं जाऊंगा मैं। हेनरी, रूबी आंटी और स्टीव आए हैं। तो रूबी आंटी ने बड़े प्यार से तुम्हें शॉपिंग मॉल ले जाने का प्लान बनाया है मम्मी का गिफ्ट खरीदने के लिए। शॉपिंग? रूबी आंटी और अगलू स्टीव के साथ? नहीं यार, आप ले जाओ ना हमें डैडी। नहीं, मैं घर की थोड़ी सफाई कर लेता हूँ, वही अच्छा रहेगा। मतलब मैच देखोगे? चलो ना जल्दी एंड्रॉय। नहीं। हाँ, अब जल्दी करो हेनरी। मेरे पास पैसे नहीं है। ये कोई नई बात थोड़ी ना। ये लो 1000 रुपए, लेकिन ये सारे मम्मी के गिफ्ट खरीदने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, समझे? 1000 रुपए और उसमें से मेरे लिए कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं बेटा। जल्दी चलो हेनरी। ये गलत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कैसी बदबू है? अरे ये तो हेनरी है, वो पुराना बदबूदार पड़ोसी हमारा, याद है ना? पुराना बदबूदार पड़ोसी। हेनरी हमारे साथ चलोगे प्लीज? शैतान कहीं का। कितना शैतान है ना। हाँ शैतान। क्या प्रॉब्लम है? चलो ना जल्दी एंड्रे। पता नहीं, मुझे लगा ये पुतले मुझसे बातें कर रहे हैं। लगता है पुतले भी तुमसे बात करने लगे हैं। शी, ये तो वही बदबूदार हेनरी है। हेनरी, मैंने कहा था ना तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मेरा हाथ पकड़ कर चलो प्लीज। हम जा कहाँ रहे हैं? नीचे सेल और डिस्काउंट वाले सेक्शन में। 1000 रुपए में तुम्हें यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। मम्मी जरा यहाँ आकर तो देखो। आई विश कि मेरा
बोध होता। बेचारा, तुम तो अपनी मम्मी के लिए ये कभी नहीं ले पाओगे, है ना हेनरी? ज्यादा रेंज, ज्यादा धमाका और ज्यादा पावर। ओ, काश मुझे ये अपने बोध के लिए मिल जाता। दुश्मनों ने हमला कर दिया और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमारे जाबाज सिपाही हेनरी। हेनरी, दुश्मन आ रहा है, वापस चलो हेनरी, अभी क्या अभी सामने आओ वरना। कुछ गड़बड़ होने की रिपोर्ट आई है। अगर किसी ने दो लड़कों को देखा है हमारी डबल धमाका गो पिचको के साथ, तो प्लीज हमें आकर रिपोर्ट करें। ध्यान दीजिए ग्राहकों, एक छोटा लड़का जिसका नाम है अकड़ू स्टीव अपनी मम्मी से बिछड़ गया है और शायद वो छिपा है किसी एक स्टफ टॉय के पीछे। मिल गई। ध्यान से सुनिए ग्राहकों, दुनिया की सबसे बदसूरत लड़कियां जरा स्टेशनरी डिपार्टमेंट में आएंगी प्लीज। उन्हें एक एक पेपर बैग मिलेगा अपना चेहरा छिपाने के लिए। भागना पड़ेगा। वो क्या कर रहा है? सिक्योरिटी, एक चोर आ गया है। हेनरी, आज तो मैं तुम्हारे मम्मी डैडी से कंप्लेन जरूर करूंगी। पर बार कुछ नहीं, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, सुबह से देख रही हूँ। मैंने इतनी शर्मिंदगी पहले कभी महसूस नहीं की, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। सब हेनरी की गलती थी मम्मी। हाँ बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे। अच्छा हुआ कि उस सड़ियल लड़के को दुकान से निकाल रहे हैं। हाँ सड़ियल लड़का। हीरो हेनरी अब बचाएगा दुनिया को। हेनरी पड़ेगा, क्या शॉट था हेनरी। हैप्पी बर्थडे पीटर, इससे अच्छा गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता था मेरे लिए। मैंने अलग अलग तरह के धागे यूज किए हैं ताकि आपके बालों को मैच करे। बहुत ही सुंदर है मेरे लाल, मैं इसे यहीं पर शोकेस में रखूंगी ताकि सब लोग देख सके कि मेरा बेटा कितना प्यारा, टैलेंटेड और होशियार है। और अब मैं तुम्हारा गिफ्ट खोलूंगी हेनरी। हाँ क्यों नहीं। हेनरी तुम खोलना चाहोगे क्या इसे? तुम्हें इसे खोलो बेटा, आखिर ये दुकान वालों ने तुम्हें इनाम के तौर पर दिया था ना। थैंक यू मम्मी।